सब्सक्राइब कीजिए टेक इन रिजन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जियो फोन को लेकर लोगों में जितनी खुशी है उतनी ही टेंशन इस बात को लेकर भी है कि इसमें व्हाट्सएप सपोर्ट करेगा या नहीं। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जियो के फोन में व्हाट्सएप सपोर्ट करेगा या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको टेक इन्वेंशन चैनल में। दोस्तों, रिलायंस जियो ने पिछले महीने अपना फीचर फोन लॉन्च किया था। इसके प्री बुकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन भी www.jio.com पर शुरू हो गई है। इसके बारे में खबरें आ रही थी कि इस फोन में व्हाट्सएप नहीं चलेगा, लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें कहा गया है कि जियो के फ्यूचर फोन में व्हाट्सएप के लिए जियो व्हाट्सएप के इंजीनियरों से बात कर रही है। हालांकि कंपनी की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। एक वेबसाइट है जिसका नाम है डेली फैक्टर, उसके मुताबिक जियो के इस फोन में व्हाट्सएप का स्पेशल वर्जन काम करेगा। वेबसाइट ने कहा है कि हो सकता है कि दोनों कंपनियां मिलकर व्हाट्सएप का ऐसा वर्जन बनाने की तैयारी कर रही है जो जियो के फोन में सपोर्ट कर सके। बताया जा रहा है कि दोनों कंपनियों के बीच इसको लेकर बात भी शुरू हो गई है। दोस्तों, जियो के ये फोन iOS जो कि फायरफॉक्स का OS है उस पर काम करता है और व्हाट्सएप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता। इसके लिए यदि जियो के फोन में व्हाट्सएप लाना है तो इसके लिए इसका स्पेशल वर्जन बनाना होगा जो इस OS को सपोर्ट कर सके। भारत में तकरीबन 200 मिलियन एक्टिव व्हाट्सएप यूजर्स है और यह भारत में बेहद पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। हो सकता है इसके चलते जियो अपने फीचर फोन में व्हाट्सएप को शामिल करे। सो जल्द में ही हमें जियो फोन में व्हाट्सएप देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि जियो के इस फीचर फोन में और कौन से ऐप्स मिलेंगे। इस फोन में आपको फेसबुक, यूट्यूब के अलावा नमो ऐप, जियो पे, जियो गेम्स, जियो किसान ब्राउजर, जियो एक्सप्रेस न्यूज मिलेगा। इसमें आपको ऐप स्टोर भी मिलेगा, जैसे गूगल प्ले स्टोर है वैसे ही इसके अंदर इनका खुद का ऐप स्टोर रहेगा जिससे आप एप्स को इंस्टॉल कर सकेंगे। इसके साथ इस फोन में बहुत बढ़िया वॉइस असिस्ट ऐप्स मिलेगा जिससे आप अपने आवाज से कमांड देकर अपना कोई भी काम कर सकेंगे। जैसे कि किसी अपने फ्रेंड को कॉल करना है तो कॉल राहुल बोल दिया तो ये फोन उस फ्रेंड को कॉल कनेक्ट करेगा। ऐसे ही आप बहुत से काम इस वॉइस असिस्ट ऐप से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप डिजिटल पेमेंट भी कर सकेंगे। इस फोन से आप अपना बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं, जनधन अकाउंट जोड़ सकते हैं, UPI अकाउंट बना सकते हैं, नया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी जोड़ सकते हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।